नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। हालांकि दोस्तों, हमने पहले भी इसकी वीडियो मैंने बना दिया था, आप देखेंगे वहां से लगभग 20-25% का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, हमने सोचा वापस स्टॉक के बारे में रिव्यू किया जाए। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ब्रेकआउट आया हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ GSPL के बारे में, जिसका पूरा नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, तो आने वाले दिनों में गुजरात स्टेट के अंदर एक बेहतरीन पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को विदित है कि हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं, शॉर्ट वीडियोज लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने वेदांता के बारे में डिस्कस किया हुआ था, NTPC, गेल, भेल, सेल और ABB इंडिया के बारे में डिस्कस किया हुआ था। बम्पर तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, मेरी बातों के ऊपर मत जाइए, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। दोस्तों ने क्या जबरदस्त यहाँ पे पैसा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें तो ही समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम इसके टेक्निकल और फंडामेंटल को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के साथ मुख्य रूप से पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के संरक्षण में लगी हुई है। इसके अलावा यह सिटी गैस वितरण और पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पादन का भी कार्य करती है। राजस्व की बात करें तो गैस परिवहन से 98% का तथा बिजली बिक्री से 2% का राजस्व अर्जित होता है। GSP की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी का प्रचार गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत में अग्रणी तेल और गैस अन्वेषण विकास और उत्पादन कंपनियों में से एक है। इसे गुजरात सरकार के साथ उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचारित किया जाता है। अगर देखेंगे तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी का 3 साल का ROE 22.8% का है। अगर मैं सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं मार्च 2021 की सेल्स की बात करूं, जो 11,535 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में बढ़कर के 17,991 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए और मार्च 2023 में देखेंगे तो 18,117 करोड़ का सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे खर्चे के ऊपर नजर डालें तो मार्च 2021 में जो खर्चा 7,961 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2022 में देखेंगे खर्चा बढ़कर के 14,491 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। मार्च 2023 में देखेंगे खर्चा 14,437 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे खर्चे में मार्च 2023 में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर नजर डालें, मार्च 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,574 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,500 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। मार्च 2023 में देखेंगे तो वापस जंप यहाँ पे देखने को मिले हैं, 3,680 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूं, 368.90 का है। सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें, 370.85 का है। थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें, 372.80 का है। आप देखेंगे थर्ड रेसिस्टेंस को ब्रेक किया था पर सस्टेन नहीं किया, सेकंड रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, सस्टेन किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में GSPL के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब एक नजर सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, 365.00 का है। सेकंड सपोर्ट की बात करें, 363.05 का है। थर्ड सपोर्ट की बात करें, 361.10 का देखने को मिल रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज को पढ़ा लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 10 डेज 20 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, पर 5 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के फंडामेंटल को पढ़ा लेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 20,704 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 13 का है। डिविडेंड यील्ड 1.36% का है। बुक वैल्यू 176.47 का है। फेस वैल्यू 10 का है।
प्राइस बुक रेशियो की बात करें 2.08 का है, आरओसी की बात करें 29.00% का है, आरओई की बात करें 12.94% का देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बढ़ा लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वन वीक में लगभग 1.5% के आसपास के रिटर्न, एक महीनों में 1%, तीन महीनों की बात करें लगभग 29%, छह महीनों में 34%, बीते नौ महीनों में लगभग 26%, बीते एक सालों में 27%, दो सालों की बात करें तो 32%, तीन सालों में 26%, चार सालों की बात करें लगभग 65%, बीते पांच सालों में देखेंगे तो 126% का रिटर्न जीएसपीएल ने अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा लेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 37.63% की होल्डिंग प्रमोटर की है। डीआईआई की बात करें 24.76% की होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें 16.03% की होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास 19.57% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की बात करें 2.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये इसका रेसिस्टेंट था, थोड़े दिनों तक स्टॉक यहाँ कंसोलिडेशन में रहा, फाइनली जैसे ही इसको ब्रेक करता है आप यहाँ पे देखेंगे तो वापस स्टॉक ने 8 फरवरी 2024 को देखेंगे तो 406.75 रुपये का हाई लगाता है, उसके बाद से वापस से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जो इसका रेसिस्टेंट हुआ करता था वही इसका सपोर्ट का काम किया। वापस से आप देखेंगे स्टॉक ने वापस 403.25 रुपये का 16 फरवरी को हाई लगाया, वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ से एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रखेंगे और एक बड़ा टारगेट यहाँ पे तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेवल्स को डाउन करते हैं, उसके बाद हम आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे। तो दोस्तों अगर स्टॉक 370 से 373 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 305 रुपये का, बड़ा टारगेट 420, 450, 475 के टारगेट आने वाले 1 से 6 महीनों के अंदर जीएसपीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है। आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, कई हफ्तों तक स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। फाइनली आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वापस से स्टॉक यहाँ पे देखेंगे तो आपने हाई लगाया जैसा कि मैंने बताया 406.75 रुपये का, तो वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ से एक जबरदस्त तेजी आने वाले दिनों में जीएसपीएल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल। कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।